आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं आपके साथ रिश्ला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और फिर इस मामले में लखनऊ के मड़ियाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेलंगाना से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक तमिलनाडु का रहने वाला है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस और एटीएस की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई। देखिए, धमकी देने वाले कौन है उसकी जाँच होगी और जाँच में जो दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, सबके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार निभाएगी। लेकिन इस प्रकार की धमकी क्यों, कैसे आई है, कौन इसके पीछे है, इसके तह तक जा करके जाँच की जाएगी और जो इसके दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। नीलकंठ मणि जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 507 और 66 FIDR के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें UPATS और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जो जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुद्दुकोट्टई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ एक तरफ माहौल गर्म है कानपुर हिंसाकांड से, वहीं दूसरी तरफ बड़ी धमकी दी गई थी जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगाया और आरोपी का लोकेशन जो है वो तेलंगाना में ट्रेस हुआ है, तमिलनाडु में ट्रेस हुआ है। वहीं एटीएस की टीम और लखनऊ पुलिस यहां से रवाना हो चुकी है आरोपी को पकड़ने के लिए। तेलंगाना से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब युवक को लखनऊ लाया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह बात क्लियर किया है कि जो भी विधिक कार्रवाई होगी इस मामले की तह तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, सरकार की, और सरकार इस मामले के तह तक जाएगी, ऐसा डिप्टी सीएम का कहना है। जहाँ एक तरफ लगातार सियासत गरमाई हुई है, हिंसा भड़का है कानपुर में, दो गुटों में जिस तरह की पत्थरबाजी हुई है उससे पहले ही पूरा प्रदेश दहशत में था, उसके बाद ये बड़ी धमकी जो मिली है एक युवक की तरफ से, जो भी आरएसएस कार्यालय है उनको उड़ाने की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। लखनऊ के मड़ियावा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद एटीएस और लखनऊ पुलिस तुरंत ही जांच में जुट गई थी। और जांच में जो आरोपी है जिसके द्वारा ये धमकी दी गई है उसका लोकेशन तेलंगाना में ट्रेस किया गया था। ट्रेस करने के बाद तेलंगाना पुलिस की मदद से उस युवक का पता लगा लिया गया है और साथ ही साथ अब एटीएस और लखनऊ पुलिस तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है। युवक को यहाँ लाकर मामले की तह तक जाकर मामले की जांच की जाएगी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने भी इस मामले पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ पूरा मामला है और अब किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी? बता दें कि लखनऊ समेत आरएसएस के 6 मुख्यालयों को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसको लेकर आपको बताएं कि लखनऊ के सेक्टर क्यू स्थित आरएसएस कार्यालय के जो संचालक है साथ ही साथ प्रचारक है उनको धमकी मिलती है
कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कार्यालय समेत कर्नाटक के 4 कार्यालयों को उड़ाने की बात कही जाती है। उसमें आपको बताएं कि जिसके बाद पुलिस प्रशासन आनंद फानंद में जुट कर और मौके पर आपको बताएं कि जब जो संचालक है सेक्टर क्यू के आरएसएस के उनकी तरफ से इसके खिलाफ एफआईआर की जाती है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है। वही तिस्ला आपको बताएं कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक अननोन नंबर से उनके ऊपर मैसेजेज आते हैं, लिंक आते हैं जिसका ना खोलने की वो नहीं खोलते हैं। जिसके बाद आपको बताएं कि लिंक के माध्यम से 3 मैसेजेज आते हैं, उस मैसेजों में विभिन्न भाषाओं में लिखा रहता है, तमिल में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है। जिसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं और जिन 6 जगहों की बात कही जा रही थी, इन 6 जगहों पर कहा यह जा रहा था कि बीते 8 बजे यानी कि कल 8 बजे इन सब जगहों पर ब्लास्ट किया जाएगा। जिसमें आपको बताया कि पुलिस प्रशासन ने एटीएस को इसकी जानकारी दी और एटीएस ने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क साधकर और जो व्यक्ति ने के नंबर से अपने नंबर से धमकी दी थी उसको गिरफ्त में लेने का काम किया गया है। वही आपको बताया कि लखनऊ से एटीएस निकल चुकी है और जल्द ही उसे लखनऊ लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज मोहम्मद नाम का व्यक्ति तमिलनाडु से बैठकर और देश भर के आरएसएस के 6 कार्यालयों को उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को एटीएस ने गिरफ्त में ले लिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि किस मानसिक धारणा को लेकर इस तरह की धमकी के मैसेज उसकी तरफ से आए हैं। जी। वही आपको बताएं कि आरएसएस कार्यालयों पे पहले भी इनकी तरफ से धमकी दी गई थी, जिसमें इनके सोशल मीडिया के सभी अकाउंट भी खंगाले जाएंगे, साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। तमिलनाडु पुलिस ने जो राज मोहम्मद है उसको गिरफ्त में लेकर और उससे पूछताछ की जा रही है और आज देर शाम माना यह जा रहा है कि लखनऊ की एटीएस टीम उसे तमिलनाडु से गिरफ्त में लेकर अब लखनऊ ले आएगी। जी तस्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विभांशु। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शहर भर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शामिल 40 संदिग्धों के पोस्टर लगाए हैं। इसके साथ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्धों की तलाश में मदद करें। वही पोस्टर लगने से हिंसा के उपद्रवियों में हड़कंप मच गया है। कानपुर पुलिस की तरफ से पोस्टर जारी करते हुए मोबाइल नंबर पर संदिग्धों को देखते ही व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देने की अपील की गई है। पुलिस कमिश्नर विजय प्रकाश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि आरोपियों को पकड़ने में मदद करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। वही हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी और उसके 3 साथियों समेत अब तक कुल 62 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए योगी सरकार के आदेश पर 3 आईपीएस अफसर विशेष तौर पर कानपुर भेजे गए हैं। सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए के साथ साथ उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसी कड़ी में 3 आईपीएस अफसर को विशेष तौर पर कानपुर भेजा गया है इस मामले की जांच के लिए और 40 आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस मामले का जो मास्टर माइंड है उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। उसके व्हाट्सएप चैट खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ कनेक्शन है जफर हयात हाशमी के, उसकी तहकीकात की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी कानून व्यवस्था के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस, लेकिन कानपुर में जो दंगा करने की कोशिश करने वाले तत्व हैं उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा नियम के दायरे में उठाया जाएगा। लेकिन कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करे, कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करे, अपराध करने की कोशिश करे और वह अगर ये समझे कि वो बच जाएगा तो वह युग अब समाप्त हो गया है। अब कानून व्यवस्था का राज है और इस समय कोई गड़बड़ करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के लिए
संवाददाता उपेंद्र अस्थाना कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अब उपद्रवीय जो है 40 लोगों की फोटो पोस्टर जारी कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, किस तरह से धरपकड़ जारी है और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? कल रात को जो पोस्टर जेल भरो आंदोलन वाले पोस्टर छपे थे उसके मालिक को जो है उठा लिया गया है, उसके मालिक से पूछताछ की है, उसमें कई लोगों के नाम खुल के आ रहे हैं। उसके बाद जो अब ताजा अपडेट ये है कि 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 24 घंटे में 12 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है पुलिस। उसके बावजूद भी आपको बताते चले कि जो 40 लोगों का पोस्टर जारी किया गया था उसमें केवल अभी 29 ही लोग गिरफ्तारी केवल हो पाई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और SP अजय पाल सिंह का कहना है कि जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है लगातार दबिश जारी है। उसमें जो है सूबे के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने केवल 3 IPSों को जो है यहाँ से लखनऊ से कानपुर भेजा है पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका दबिश जो है वो लगातार जारी है। जो उपद्रवी है जिनके पोस्टर जारी किए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हालांकि पुलिस का ये भी कहना है उपेंद्र की जो भी उनकी सूचना देगा, उनकी जानकारी देगा, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ऐसे में 40 में क्या किसी के पकड़े जाने की खबर अभी तक सामने आई, किसी का कोई भी पता चल पाया है पुलिस को? जी हाँ बिल्कुल, आपको बताते चले कि जो 40 क्षेत्र के लोग जो हैं उन लोगों को साफ कहना है कि जो घटना हुई थी घटना बहुत गलत हुई है, और क्षेत्र के लोग और आसपास के जो हाथे के लोग हैं वो लोग सब लोग जो है पुलिस की पूरी मदद कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं, संभव मदद कर रहे हैं। जहाँ तक अब तो देख, पहले तो लोग प्रशासन को पानी तक नहीं पूछ रहे थे, अब तो वहाँ पोस्टर जारी होने के बाद कम से कम वहाँ क्षेत्र के लोग जो है प्रशासन को पानी पूछ रहे हैं, हर चीज पर सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए उपेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे तो उनका एक अहम योजना था उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना, महिलाओं को सुरक्षित रखना और भरसक खड़े मंच से बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन उन्नाव में एक 13 साल की नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई खुलासे हुए, नाबालिग के शरीर और गले में चोट के गहरे निशान मिले, परिजनों के गांव के एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर कौन है ये सरफिरे, कौन है ये गुंडे जिनको पुलिस प्रशासन का तनिक भी डर नहीं है? किसकी सह में ये फल फूल रहे हैं? क्या इन्हें प्रशासन का डर नहीं है, इनको पुलिस का डर नहीं है? और बेखौफ गुंडे इस तरह की जो घटिया हरकतें हैं वो युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक शर्मनाक घटना जो सामने आया है, एक युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया जाता है। संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य, ये जो पूरा मामला है, क्या अब गुंडों को प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है कि नाबालिगों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? जी बताना चाहूंगा, ये हैवानियत से भरी हुई एक बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। लगातार जब पुलिस से उनका पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है तो वो लगातार पुलिस अपना पक्ष बताने से भी हिचक रही है, लगातार पक्षों को छुपाने का प्रयास, अपने पक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। बहुत बड़ी घटना है, मासूम के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हो जाती है, सिर की हड्डियां टूटी मिली है, बॉडी में 8 जगह गंभीर चोटें आई हैं, मासूम को पीट पीट कर बेरहमी के साथ हत्या कर दिया गया है। ना कि ये पहला मामला है, इससे पहले भी पूर्व में मामले हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो क्या जो पुलिस अफसर आज के समय में जिले में तैनात है उनके द्वारा क्या सही कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई अगर सख्त होती तो क्या अपराधी इस तरीके से बेलगाम होके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते? एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल चैतन्य, जिस तरह से उन्नाव में तमाम एक के बाद इस तरह एक के बाद एक घटना इस तरह की महिलाओं के साथ सामने आ रही है, कितनी बड़ी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की बनती है। हालांकि इस मामले में जो परिजन है उन्होंने युवक का नाम भी बताया, उसके बाद भी पुलिस अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं कर पाई है, पुलिस प्रशासन का इस पे
लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, पुलिस का पक्ष जानने का प्रयास कर रहा हूं, पुलिस लगातार अगर मैं किसी आला अधिकारी को फोन मिलाता हूं तो उनका पक्ष जानने का प्रयास करता हूं तो वो फोन नहीं उठा रहे या फिर उनका फोन नॉट रिजिबल जा रहा है। इस तरीके से हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटनाएं अगर पूर्व में उन्नाव जनपद में हो चुकी है, एडीजी लाइन ऑर्डर, एडीजी और एडीजी जोन और उसके बाद ही आईजी का दौरा यहाँ पे उन्नाव में होता है, क्राइम मीटिंग होती है, लगातार मातहतों को निर्देश दिए जाते हैं कि अपराध को कम करना है, अपराधियों को पूरी तरीके से सलाखों के पीछे करना, अगर अगर क्या अपराधियों को इस तरीके से घटनाएं अगर कर रहे हैं, क्या अपराधियों के साथ उचित कार्रवाई की गई है, कठोर कार्रवाई की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस तरीके से बेलगाम होकर अपराधी आज भी घटनाओं को कारित कर रहे हैं तो इसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की, अगर 24 घंटे के अंदर भी अभी नाम बताने के बाद भी परिवारजनों के जो युवक है अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और ये बेहद ही शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस प्रशासन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जिस तरह से लगातार उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, चैतन्य आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, उस युवती के परिवार को इंसाफ मिलना बेहद जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद चैतन्य। बदायूं में जिला कारागार में कैदी की आत्महत्या से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल जिला जेल में रविवार को फांसी लगाकर एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी जिसकी लाश से आंखें गायब मिली हैं। लगातार जिस तरह से एक के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान खड़ा करता है हॉस्पिटल का जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर। किस तरह से कैदी की आंखें निकाल ली गई, पहले तो कैदी आत्महत्या करता है कटघरे में, आत्महत्या करने के बाद जब उसकी बॉडी मोर्चरी में होती है, मोर्चरी से कैदी की आंखें गायब हो जाती हैं, बड़ा सवालिया निशान है ये जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है। वहीं जब सवाल किया जाता है जिम्मेदारों से तो जिम्मेदार हमेशा से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, पहले तो सबसे बड़ा सवाल है निशान यही खड़ा होता है कि अगर जेल के अंदर इतनी सुरक्षा है कैदियों की, लगातार जो हमारे कारागार मंत्री है वो दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कैदी किस तरह से आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगाकर कैदी ने आत्महत्या कर ली, सबसे बड़ा सवाल है निशान तो जेल प्रशासन पर यह खड़ा होता है कि किस तरह वो आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या करने में सक्षम हुआ, अगर हो भी गया तो मौत के बाद जब उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रहती है तो मॉर्चरी से उसकी आंखें गायब हो जाती हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका, जिम्मेदार कौन है? और जब जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर लोग टालते हुए नजर आते हैं। मेरे संज्ञान में आया है इस बात का, तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है, तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, यहाँ थी कि नहीं थी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा। वही अगर बात किया जाए सीएमएस की तो वो ये कह के टालते हुए नजर आए कि ये जांच का विषय है, ये बिल्कुल जांच का विषय तो है ही, इतनी बड़ी घटना हो जाती है मॉर्चरी से आंखें गायब हो जाती है, बिल्कुल जांच का विषय है। संवाददाता मनोज पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कोई आधिकारिक बयान अभी तक अस्पताल प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से सामने आया इस पर? पुलिस प्रशासन के जो वहां पे मिलाई करने कोई नहीं आया था, उसमें क्या फांसी खा ली थी। अगर मनोज अगर बात किया जाए और जो
परिजन है, इस कैदी के परिजन है, क्या परिजनों से कोई बातचीत हो पाई? परिजन अभी तक डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे? जी अभी नहीं, ये तो अभी तो पुलिस बताएगी ना, पंचनामे के बाद तो ले गए होंगे। वही जो सीएमएस है विजय बहादुर सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय बहादुर जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, पहले तो कैदी आत्महत्या करता है, फिर मॉर्चरी से उसकी आंखें गायब हो जाती है, क्या कुछ ये पूरी घटना है, आखिर कैसे इस तरह की घटना सामने आई? अब पूरी घटना तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जेल में कहीं आत्महत्या किए होंगे, उसकी जानकारी तो जेल वाले बताएंगे। और जो अस्पताल प्रशासन है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी कमी देखते हैं आप? सुरक्षा व्यवस्था में कोई और डेड बॉडी थी, वो पुलिस की सुरक्षा में रखी जाती है जी। मौसमी जिला अस्पताल की है वो अलग बात है, लेकिन अभिरक्षा में तो डेड बॉडी पुलिस के हाथ में रहती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस प्रशासन की है, लेकिन अस्पताल की कितनी बड़ी ये सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है कि एक कैदी की आंखें गायब हो जाती है? नहीं ऐसा ना, कि हमको लग रहा है कि चूंकि पीछे की कोई खिड़की टूटी थी, ऐसा मुझे लग रहा था जब मैंने कल देखा, तो जो जो लोग आते हैं जो खिड़की में, पीछे से खिड़की तोड़ दिए थे अपनी डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी के लिए सबको लिए खुलता नहीं है वो, जब तक पुलिस नहीं चाहेगी वो गेट नहीं खुलेगा। देखिए ठीक है, कैदी कैदी ने आत्महत्या तो जेल में की, वो जेल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ा सवालिया निशान जेल प्रशासन पे खड़ा करता है कि कैदी किस तरह से जेल में ही आत्महत्या कर गया। लेकिन ये तो अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि कैदी की आंखें कैसे गायब हो गई। नहीं देखो, देखिए जो पुलिस लेके बॉडी ले आती है मर्चरी में, अपनी बॉडी रखवाती है जी, लेकिन अभिरक्षा तो उन्हीं की रहती है भाई। ठीक है, हमारे परिसर में कमरा बना हुआ जहाँ डेड बॉडी, लेकिन हमेशा पुलिस की अभिरक्षा में जो डेड बॉडी, जो आत्महत्या जेल का केस था, वो हमारी अभिरक्षा में तोड़े रहेगी। ठीक है, मर्चुरी हमारी है, हमारे परिसर में है, लेकिन देखना तो पुलिस को है, हमको नहीं देखना उसको जी। अगर हमारे यहाँ से कोई आदमी लगा है। बहादुर जी, अगर खिड़की टूटी थी तो क्या इसकी कोई सूचना दी गई? प्रशासन खिड़की सही करवा रहा था, और अगर आंखें गायब हुई तो क्या आपने इसकी रिपोर्ट अभी तक दर्ज करवाई? नहीं, जब खिड़की बाहर जब पता चला कि खिड़की टूटी है, तो खिड़की तो मैंने परसों ही उसको सही करवा दी। जब पता चला तो खिड़की जो दो लेयर में खिड़की की जाली लगी है और किसी ने पीछे से जाके तोड़ दिया, वो इधर प्रशासन को पता ही नहीं है कि किसी ने खिड़की तोड़ दी है, तो खिड़की तो हमने परसों ही सही करा दी जब हमको पता चला भाई खिड़की पीछे से टूटी है, वो तो उसी समय सही करवा दी। बहादुर जी, जब घटना घट गई तब आपने खिड़की सही कराई? तभी तो पता चलेगा, तभी तो करेगा कोई। मर्चरी के पीछे सीएमएस नहीं जाते हैं जी, कोई बता दे हम काम तो कर देंगे। बिल्कुल सीएमएस नहीं जाते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये तो आपके परिसर का मामला है, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है विजय बहादुर जी? अभी मैं नहीं बता सकता जवाबदेही किसकी बनती है, क्योंकि मर्चरी के लिए कोई आदमी पोस्ट नहीं है डेड बॉडी देखने के लिए। डेड बॉडी जिसकी अभिरक्षा में आती है वो पुलिस अपना देखती है, पुलिस जो डेड बॉडी हमारे अंदर में नहीं रहती है, ना तो रहेगी, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। इसकी शिकायत क्या आपने दर्ज करवा दी, और पुलिस किस तरह से इस पे कार्रवाई कर रही है और आगे किस तरह से आप इसको? ये मैं नहीं बता सकता पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई? नहीं, किसको हम शिकायत कर, सभी लोग जान रहे हैं, पत्रकार जिसे आप भी जान रही है, पुलिस प्रशासन भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ वहाँ भी जान रहे हैं, जेल का प्रशासन भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं इसको जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है निशान ये स्वास्थ्य महकमे पे खड़ा करता है विजय बहादुर जी। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसी आगे कोई घटना अब सामने ना आए। जिस तरह से एक तरफ लगातार बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, और इस तरह की जो लापरवाही सामने आई है, आपने सुना कि किस तरह से सीएमएस बचते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि ये तो जो डेड बॉडी आती है वो पुलिस अभिरक्षा में रहती है, और सीधा सीधा जो स्वास्थ्य महकमा है, जो जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से और अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये निशान पूरे सिस्टम पे खड़ा होता है कि आखिर किसकी गलती थी, किसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी।
अब तक की बड़ी खबरों में इतना ही, और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।